डॉक्टरों के द्वारा मरीज के साथ साथ अब पैसों में भी घोटाले होने लगे। एक व्यक्ति की दो जगह से सैलरी तो नाबालिग से करवा रहे कार्य। राजपुर पलसूद में रोज नए नए मामले सुनने में आते हैं। हॉस्पिटल में मरीजों के साथ बाधा तो आती रहती है, लेकिन मरीजों के साथ साथ डॉक्टरों ने तो हद तब कर दी जब नाबालिग बच्चे को कार्य करवा रहे हैं और उसकी सितंबर की सैलरी भी निकल गई। वहीं एक व्यक्ति एक जगह पर कार्य कर रहा है और उसकी सैलरी दो जगह से निकल रही है। वहीं डॉक्टर पर उच्च अधिकारी का हाथ है, ऐसा लगता है। नहीं तो अधिकारी कोई भी निरीक्षण कर जांच क्यों नहीं करते, ये बड़ा सवाल है। ये बात जब डॉक्टर से पूछनी चाहिए तो उन्होंने कंपनी का नाम लेकर अपना पल्ला झाड़ लिया। वहीं उच्च अधिकारी से बात पूछी गई तो उन्होंने कह दिया कि ये मामला संज्ञान में नहीं है और ऐसा कुछ पाया जाता है तो नियमानुसार उचित कार्रवाई होगी। अब देखना है कि कार्रवाई होती है या फिर सिर्फ ये भी सामान्य न्यूज बनकर रह जाएगी। सर, पलसू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नाबालिग बालक से काम किया जा करवाया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे? ये तो मेरे अभी आप संज्ञान में ला रहे हो, अगर ऐसा है तो मैं दिखवा लेता हूँ। सर, उसकी एक महीने की सैलरी भी डल चुकी है सितंबर माह की। अगर इस तरह से कोई हो रहा है काम तो उसको हम दिखवाएंगे और उच्च अधिकारी को भी कार्रवाई के लिए लिखेंगे। सर, पूर्व में ललित पिता हरी सोलंकी जो निवाली नगर पंचायत में कार्यरत हैं सफाई कर्मचारी के पद पे, उनकी सैलरी 30 अगस्त 2021 तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलसूद से भी निकाली गई है। एक ही व्यक्ति की सैलरी दो जगह से निकाली गई है, अगर ऐसा है तो बिल्कुल मैं उसको दिखवा लेता हूँ और उच्च अधिकारी को कार्रवाई हेतु लिखा जाएगा। गाइडलाइन के विरुद्ध जा रहे हैं और ऐसा काम हो रहा है तो उनके विरुद्ध बिल्कुल कार्रवाई होगी। सर, आए दिन पलसू परवाई डॉक्टर पटेल की शिकायतें सामने आ रही है, तो क्या कोई बड़े अधिकारी का उनके ऊपर हाथ है या क्या स्वास्थ्य विभाग उनके ऊपर कार्रवाई करने से डर रही है? जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है।